वहीं बुरहानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट से पहले मिलने के चक्कर में आपस में भिड़ गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं बाद में प्रभारी मंत्री के हस्तक्षेप के बाद जैसे तैसे मामला शांत हुआ। तस्वीरें बुरहानपुर के रेस्ट हाउस की हैं, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में ही नोकझोंक करते नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जिला योजना समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और पार्टी कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए रेस्ट हाउस के बाहर जुटे हुए थे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता परमजीत नारंग और रविंद्र महाजन मंत्री जी से मिलने के चक्कर में आपस में ही भिड़ गए और देखते ही देखते दोनों नेताओं के बीच विवाद बढ़ गया। ऐसे में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट को दखल देना पड़ा और उन्होंने समझा बुझा कर दोनों को शांत करवाया। ये हमारा परिवार है सभी, और परिवार जब बड़ा होता है ना उसमें छोटी मोटी बातें होती रहती है। परिवार का मामला अब अधिकारी लोग क्या है, अब हमारे जिला अध्यक्ष किशोर महाजन उनकी कुछ नाराजगी थी, अब वो नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, अब ऐसे ऐसे में जरा जोरों से बोलना चालना चालू हो गया थोड़ी हुई ऊंची आवाज में, तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि भाई झगड़ा हो रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं था, आपस का मामला है, परिवार का मामला है। वैसे तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में अनुशासनहीनता कोई नई बात नहीं है और पार्टी कार्यकर्ता से लेकर नेता तक सार्वजनिक तौर पर आपस में भिड़ते नजर आ चुके हैं, लेकिन सत्ता मिलने के बाद भी जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं उससे साफ है कि पार्टी की सरकार बनने के बावजूद कार्यकर्ताओं के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। बुरहानपुर से रवि